हाई एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं शिवाय। आज की वीडियो में मैं एक्चुअली बोर हो गई हूँ लॉकडाउन से। तो आजकल यूट्यूब पे आप देखो रेसिपीज ही रेसिपीज, अलग अलग तरह के केक की रेसिपीज, अलग अलग तरह की बहुत सारी रेसिपीज आजकल यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ ट्राई करूँ। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ डलगोना कॉफी। पहले हम उसको बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको एक्चुअल में यहीं पर टेस्ट करके बताऊंगी कि वो एक्चुअल में कैसे टेस्ट करती है एंड रिव्यू वाइज मुझे वो कैसी लगी, उसे मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम डलगोना कॉफी बनाते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। सबसे पहले दूध मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कांच का ग्लास, थोड़ा साइज में मुझे बड़ा लग रहा है बट कोई नहीं, हम अपनी कॉफी की क्वांटिटी कम कर लेते हैं। तो मैं इसको हाफ फिल कर लेती हूँ। एक और ग्लास ले लेते हैं क्योंकि भाई कॉफी बनेगी तो सब में बटेगी। तो पहले से ही मैं तैयारी कर लेती हूँ, एक मेरे लिए और एक मेरे हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों ग्लासेस को हाफ हाफ फिल कर लिया है। अब सारी इंग्रेडिएंट्स हम इसी के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे। साइड से देख लीजिए मैंने कितना दूध लिया है। यहाँ पर मैंने ली है 4 चम्मच चीनी एक स्टील के लोटे के अंदर। सॉरी बीच में वीडियो थोड़ी कट हो गई। मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी डाली है, 4 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉफी डाली है एंड थोड़ा सा गर्म पानी डाला है। अब मैं इसको विस्कर से विस्क नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कॉफी फेंटने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो मैंने यहाँ पे हैंड ब्लेंडर लिया है। इस हैंड ब्लेंडर की सबसे अच्छी बात है इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ज्यादातर प्रोडक्ट्स पे मेड इन चाइना लिखा रहता है तो आई एम वेरी हैप्पी सीइंग कि मेरे किसी प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा है। तो यहाँ पे मैंने इसको विस्क करने स्टार्ट कर दिया है। देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। अभी इसमें टाइम लगेगा इसको ब्लेंड करना, तो इसको हम और अच्छे से ब्लेंड करते हैं ताकि हमारी बढ़िया सी कॉफी बने। आई थिंक 7 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स मुझे हो गए हैं कॉफी ब्लेंड करते करते। हर एंगल से मैंने अपनी कॉफी को ब्लेंड कर लिया है। मैं थक गई हूँ। अभी भी इसका टेक्सचर वैसा नहीं है जैसा कि मैंने वीडियो में देखा था, तो आई थिंक और ब्लेंड करना पड़ेगा। आफ्टर 10 मिनट्स मुझे इसको ब्लेंड करते हुए हो गए हैं 10 मिनट्स एंड इसका टेक्सचर अभी भी वैसा नहीं है जैसा कि यूट्यूब में मैंने देखा था। बट मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। मुझे लगता है इससे अच्छा बेस्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। मुझे लगता है पानी की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ है, बट कोई नहीं, हम इसी से काम चला लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो दूध मेजर किया था वो ले लिया है। अब मैं इसमें कॉफी ऐड कर देती हूँ अपनी। तो देखिए थोड़ा लिक्विड है बट इसको आराम से मैं पोर कर देती हूँ दोनों ग्लासेस के अंदर इक्वल। ये देखिए ये मैंने इक्वली पोर कर दी है कॉफी जो मैंने भी ब्लेंड की थी दूध के ऊपर। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है एंड मैं अगर आपको साइड से दिखाऊं तो जो कॉफी है वो बहुत ही कलरफुल है। वाओ। तो फाइनली मेरी डलगोना कॉफी हो गई है रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी दिख रही है। सो इफ यू विल सी द टेक्सचर एंड द कलर इट इज परफेक्ट। देखिए दूध में भी वो नीचे नीचे चला गया है। तो नीचे देखेंगे ना आप, सबसे नीचे आपको व्हाइट दिखेगा, उसके ऊपर आपको थोड़ा लाइट ब्राउन दिखेगा एंड ऊपर कॉफी दिखेगी। तो अब क्वेश्चन आता है किसको एक्चुअल में खाना है या पीना है। तो मैं इसको अगर ऐसे सिप लेती हूँ तो ऊपर सिर्फ कॉफी कॉफी है एंड दूध नीचे है, दूध में मैंने चीनी भी नहीं डाली है। तो बेस्ट वे इज इसको हम मिक्स कर लेते हैं एंड उसके बाद देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। तो लेट मी मिक्स फर्स्ट। अच्छा
कितना अच्छा लग रहा है घूमते हुए। नाइस। तो मुझे तो ये कोल्ड कॉफी जैसे ही लग रहा है, बस डिफरेंस ये है कि आपने इसमें ऊपर से कॉफी डाली है एंड कोल्ड कॉफी में आप सब कुछ मिक्स कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे इसको पी पाऊंगी, ऐसे इसका ज्यादा अच्छा टेस्ट लगेगा। अदरवाइज ऊपर पहले कड़वा कड़वा आएगा कॉफी वाला एंड उसके बाद फिर सिर्फ मिल्क पी रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे कोई भी खाता होगा। अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ आपको। तो दिस इज एक्चुअली अ कोल्ड कॉफी जिसको एक डिफरेंट नाम दिया गया है क्योंकि इसका बनाने का स्टाइल डिफरेंट है, अदरवाइज नॉर्मल कॉफी है, बट टेस्ट आपका इसका थोड़ा डिफरेंट लगेगा क्योंकि इतनी देर हमने कॉफी को फेटा है, तो ऑफकोर्स उसका टेस्ट बेटर आएगा ही। तो एक्सपेरिमेंट इज वेरी गुड फ्रॉम माई साइड। आज मैं इसको दूंगी 10 में से 9 नंबर क्योंकि कोल्ड कॉफी मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है एंड ये बहुत अच्छी बनी है। सो आप इसको घर में ट्राई कर सकते हैं एंड मुझे बता सकते हैं कि आपको ये कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।